अलगाववादियों और आतंकवादियों द्वारा धमकाए जाने के बावजूद कश्मीरी युवाओं ने सेना की भर्ती में जोरदार तरीके से हिस्सा लिया है। कश्मीर के अनंतनाग जिले के हाई ग्राउंड में सेना का 5 दिवसीय भर्ती कार्यक्रम चल रहा है। भर्ती के पहले दिन ही युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आज पहले दिन करीब 340 उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की गई। भर्ती के लिए 12,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया है। सेना के अनुसार भर्ती बडगाम, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम जिलों के लिए रखी गई है। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 23 अक्टूबर को होगी। भर्ती में शामिल होने के लिए कई हजार युवाओं ने आवेदन किया है और फिटनेस टेस्ट देने के लिए वो आ रहे हैं। घाटी के त्राल, अवंतीपुरा, लेथीपुरा इलाके से कई युवा स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO पोस्ट के लिए चल रहे फिटनेस टेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। SPO को 6,000 रुपये सैलरी मिलती है, जो कि इस साल जनवरी से पहले 3,000 रुपये थी। श्रीनगर में हो रही पुलिस भर्ती में भी युवाओं की भीड़ देखने को मिली है। भर्ती में शामिल होने के लिए 5,000 युवाओं ने आवेदन किया है और फिटनेस टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं। घाटी के पुलवामा में हुए रिक्रूटमेंट टेस्ट में भी कई युवा पहुंचे।